Watch 93% placements in the year 2021-22. 300 plus companies visited the campus. 24 lakh highest package offered to a fresher. Which institution are you talking about? Oh, don't you know? This amazing achievement is by Sharda Group's Hindustan Campus Mathura and Anand Campus Agra. Discover the star in you. For admission in B.Tech, M.Tech, BBA, BCA, MBA, MCA, D.Pharma, B.Pharma, M.Pharma and Diploma in Engineering. Log on to sgei.org. सितंबर माह का दूसरा संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर के सभागार में आयोजित किया गया। पीड़ित फरियादियों ने न्याय की गुहार लगाई। संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई में फरियादियों की संख्या कम नजर आई। पीड़ित फरियादियों की माने तो संपूर्ण समाधान दिवस में पीड़ित फरियादियों को न्याय नहीं मिल रहा है। अधिकारी नियमानुसार उचित कार्रवाई लिखकर शिकायत को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन पीड़ितों को पारदर्शी न्याय मिलता नजर नहीं आता। नाम के अनुरूप संपूर्ण समाधान दिवस में कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कई ऐसे फरियादी हैं जो कई महीनों से संपूर्ण समाधान दिवस में समस्याओं के समाधान की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। मेरा नाम श्यामू जालौन है, कुंडौल। मैं करीब करीब सब यहाँ से 6 महीने से भटक रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या है समस्या? मेरे कुंडौल में सिंचाई विभाग का नाला है, जो कि इस समय बंद पड़ा है। दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। उस नाले का जो पानी है जो मेरे खेत में जाता है, और जिससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी इस समय भी मेरे खेत में पानी भरा है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। सिंचाई विभाग के चक्कर काट रहा हूँ मैं तमाम, लेकिन वहाँ से भी कोई मुझे आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर करीब करीब 6 महीने मुझे हो चुके हैं, और मेरे पास करीब करीब मैं आगरा में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सबके पास मैं जा चुका हूँ, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान मेरे अभी तक नहीं हुआ है। ये लोग सिंचाई विभाग के ऊपर डाल देते हैं, आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन करते करते 6 महीने का ऊपर का समय हो चुका है मेरा, और मेरे खेत में अभी 15 बीघा जमीन में प्रेजेंट में पानी भरा पड़ा है। लेकिन अभी तक मेरा पहले आलू की फसल थी, उसमें आलू की फसल नष्ट हो चुकी है मेरी। और इस समय मेरी जो भी फसल होने वाली है, जैसे कि अब अक्टूबर का महीना लगने वाला है, अक्टूबर में लाह भी होता है, गेहूं भी होता है, सरसों भी होती है, सब कुछ होता है उसमें, बाजरा कट जाएगा, तो वो भी मेरी फसल में पानी भरा पड़ा है, उसमें भी फसल मेरी नहीं हो पाएगी। नहीं, यहाँ से जो हमारे जो अधिकारी लोग बैठते हैं, ये ऑर्डर कर देते हैं, जो वहाँ जो फाइल जाती है वहाँ से समाधान नहीं होता है। यहाँ से तो ये अपना काम कर देते हैं, जो यहाँ ऊपर स्तर तो हो जाता है काम, लेकिन जो नीचे फाइल जाती है वहाँ से समाधान नहीं होता है मेरा। जैसे 6 महीने से आप बता रहे, 6 महीने लगातार चक्कर लगा रहे हो। 6 महीने हो गए, मेरे पास पूरा प्रूफ है 6 महीने का। वरिष्ठ अधिकारी हो जाएगा मतलब लंब हो जाएगा, ये से करते हैं। मैं नीरज पाराशा, एडवोकेट लगलाइयू का, आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने समाधान दिवस में एक यात्रा पत्र दिया है। मेरे पूर्वजों ने एक मंदिर का निर्माण कराया नगलाइका में, मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें गोबर पूजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को 20 रुपये महीने पर किराए पर स्कूल संचालन के लिए दिया। कब दिया था? ये करीब 80 साल पहले। 80 साल से मैं भी उसी में पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी भी उसी में पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, पर लेकिन बिल्डिंग जो है 80 साल पुरानी है, काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कभी भी कोई भी जनानी हो सकती है। बाबा ने किसके नाम की थी जमीन? बाबा ने भगवान के नाम की है, सत्यनारायण भगवान। आप उसमें क्या हो? मैं उसका केयर टेकर हूँ। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, बस स्कूल खाली कराया जाए, कभी भी जनानी हो सकती है। क्या उसमें स्कूल संचालित रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ स्कूल संचालित हो, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ही खस्ताहाल है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई भी दुर्घटना होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं दूसरी बार यात्रा पत्र दे रहा हूँ तहसील दिवस में। इससे पहले मैंने सीडीओ साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है 13 तारीख को, उसी दिन मैंने पीएसए साहब को दिया है, और उससे पहले ये भ्रामक निस्तारण सूचनाएं देते हैं क्या कि ये जमीन सरकारी है, और जबकि मैं प्राइवेट जमीन के सब